आज की क्लास का टॉपिक है इसमें पी ब्लॉक 11th वाला पार्ट है, ठीक है। लास्ट क्लास पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो पी ब्लॉक 12th का पार्ट, ये पी ब्लॉक 11th का पार्ट है। 4A ग्रुप कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड। इसमें देखो ठीक से, ये नॉन मेटल है, ये दो एलिमेंट मेटल वाइड है और ये दो एलिमेंट मेटल है। ये सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट, दे ऑल आर एक्सेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स। हालांकि इसको बाद में पढ़ोगे, जो लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स जानते हैं उनके काम की चीज है। और इसमें रिड्यूसिंग पावर अप द ग्रुप है, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि सामान्य तौर पर रिड्यूसिंग एजेंट्स में रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। चाहे आप एल्कली मेटल ले, एल्कलाइन अर्थ मेटल ले, बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स ले, ये सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। बट कार्बन फैमिली में रिड्यूसिंग पावर अपवर्ड इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक बड़ा पॉइंट है। ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है कि रिड्यूसिंग पावर अपवर्ड इंक्रीज करता है, अदरवाइज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन मेटल्स में और 4A ग्रुप में रिड्यूसिंग पावर अप द ग्रुप इंक्रीज करता है। आइए, तो ये हमने सारे एलिमेंट्स लिए। अब यहां पर बात किया जाए, कार्बन एक प्री हिस्टोरिक एलिमेंट और लेड ये दो प्री हिस्टोरिक एलिमेंट्स। प्री हिस्टोरिक एलिमेंट्स मतलब जिसका खोज किसने किया किसी को नहीं पता। प्री हिस्टोरिक एलिमेंट्स हमने आपको पढ़ाया, इसमें कॉपर आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड, जो बहुत पहले से इस्तेमाल होते आ रहा था, जिसके डिस्कवरी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसने सबसे पहले खोज किया होगा। वैसे एलिमेंट सल्फर भी प्रीहिस्टोरिक में आते हैं, एंटीमनी मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता था प्रीहिस्टोरिक में आता है, कार्बन है, लेड है, जिंक है, प्रीहिस्टोरिक एलिमेंट में आता था। इसके बाद आपका बिस्मत है, जो ऑलमोस्ट प्रीहिस्टोरिक में वो भी आता है, कहा जाता है कि बिस्मत 15th सेंचुरी में किसी ने खोजा, बट किसने ढूंढा किसी को पता नहीं। 10 एलिमेंट्स काउंट होते हैं प्रीहिस्टोरिक में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये मिस कर रहा है, कार्बन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सल्फर, एंटीमनी, कार्बन, लेड, कुछ एक मिस कर रहा है, चलो एनीवेज, तो ये एक प्रीहिस्टोरिक। आज ये कार्बन की खबर, ध्यान से, कार्बन एन एलोट्रॉपिक एलिमेंट, ये भी एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट है। जैसे हमने पढ़ा था कि सल्फर के भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, बट दो एलोट्रॉप्स काफी कॉमन था, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। हमने अगले दिन पढ़ा फास्फोरस के भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, 3 एलोट्रॉप्स बहुत कॉमन था, ब्लैक, रेड एंड व्हाइट। तो कार्बन के भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, बट 3 एलोट्रॉप्स यहां भी काफी कॉमन है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन्स। लेट मी रिपीट अगेन, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन्स। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दीज नेम्स, सम अदर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर कोल गैस, गैस फॉर्म, कोक, कोल टार, तो इस तरह के और भी हैं बहुत सारे, बट आपको 3 ही के पीछे भागना, और वो भी फ्लोरीन्स आपके सिलेबस में बहुत कम पढ़ना है, समझिए इंट्रोडक्शन। तो आइए, एलोट्रॉपिक एलिमेंट आउट ऑफ मेनी known electrons, graphite,
and fullerenes are both hot. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में से ग्रेफाइट डायमंड और फ्लोरीन्स जो है ये सबसे कॉमन और सामान्य इलेक्ट्रॉन है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, पहले बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ध्यान से हेक्सागोनल सी लाइक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल seed-like structure. And it's made of yeah, it's made of one word or jodo or better ho jayega ye with honeycomb as mix of कार्बन लैटिसेज। इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए तो किसी हर कोई शायद जानता भी होगा, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है और हनीकॉम्ब लैटिस बोलते हैं इसको, हनीकॉम्ब लैटिस जो आप मधुमक्खी के छत्ते का स्ट्रक्चर समझते हैं हनीकॉम्ब लैटिस आप बोलते हैं, तो वो वाला लैटिस हम लोग बहुत सारे लोग इसको एमॉर्फस सॉलिड समझ लेते हैं। तो ये एमॉर्फस नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको हम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं सॉलिड्स को अगर हम बांटें तो एक बोलते हैं क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, on the basis of a structure. अगर structure के आधार पर बातें तो दो तरीके का है, crystalline solid और दूसरा amorphous solid। थोड़ा अच्छे से समझिए, ध्यान से। Classification का तरीका होता है, आधार होता है किसी भी चीज पर, classify करने का एक base होता है, उस base के हिसाब से उस चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये कितने तरह होता है। कुछ भी लेना, कुछ भी जो आप बांटते, मान लो पूछा जाए सिनेमा कितने तरह का होता है, तो इसको सिनेमा मूवीज कितने तरह की होती है, तो आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, तो बोलोगे कि हिंदी इंग्लिश तेलुगु तो भोजपुरी ये वो बहुत सारे तरह के, तमिल, तो इस तरह से on the basis of the story, nature of the story, तो commercial movies का एक type, उसके बाद art movies का एक type, आप समझिए चीजों को, मतलब हम classify कर रहे हैं एक आधार पे कि commercial movies एक तरह की, art movies एक तरह की, मतलब aesthetic क्या है, aesthetics क्या है, इस basis पर हम देख रहे हैं। तो आधार किसी चीज का आप classify करना चाहें तो पहले base, जैसे आप night time में पढ़ते थे ना acids, इस आधार पर इतने तरह के होते हैं, सॉल्ट्स इस आधार पर इतने तरह के होते हैं, जबकि सॉल्ट्स इस आधार पर बांटो तो इतने तरह के होते हैं। तो सॉलिड को भी अगर स्ट्रक्चर के आधार पर बांटो तो दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। आपके सिलेबस में बराबर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस वर्ड का जिक्र होता है। एमॉर्फस सॉलिड तब कहलाता है जब उस सॉलिड में एटम्स के अरेंजमेंट के वजह से एक डेफिनेट स्ट्रक्चर तैयार ना हो। अगर एटम्स के अरेंजमेंट के वजह से एक डेफिनेट स्ट्रक्चर तैयार हो जाए तो उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी सॉलिड है, आपके हाथ में पड़ा हुआ कोई पेन है, आप जो कोई कपड़ा पहने हुए हैं, कोई भी तरह का सॉलिड है, नमक सॉलिड है, चीनी सॉलिड है, कुछ भी, आयोडीन सॉलिड है, तो
तो हमने बोला अगर एटम्स को अरेंज करने के बाद एक डेफिनेट स्ट्रक्चर, एक निश्चित आकार तैयार हो तो उसको अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि डायमंड में कार्बन के चारों ओर एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रेडी होती है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। एमॉर्फस सॉलिड तब होता है जब कंप्लीट अरेंजमेंट में स्ट्रक्चर, रिपीटेड स्ट्रक्चर्स ना देखने को मिले, एटम्स फिक्स ना हो, तब एमॉर्फस होता। अगर एटम्स फिक्स हो, मोबाइल नहीं हो, एटम्स फिक्स हो, मोबाइल नहीं हो और एक स्ट्रक्चर दे तो उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। सर्टेन स्पेसिफाइड लैटिस स्ट्रक्चर और यहां पे आप बोलेंगे नो स्पेसिफाइड सर, एक कोई एग्जांपल थोड़ा करवा दीजिए तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आप पेज नंबर वन आप स्क्रीनशॉट में जो देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको करवा दें अच्छे से। क्रिस्टलाइन सॉलिड कब बोला जाएगा? जब एक डेफिनेट स्ट्रक्चर रेडी हो। किस चीज की वजह से? एटम्स के रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से। यदि वो डेफिनेट स्ट्रक्चर रेडी ना हो तो उसको हम लोग एमॉर्फस बोलते हैं। आज और यहां पे लेफ्ट साइड है क्रिस्टलाइन और राइट साइड है एमॉर्फस। देखो डायमंड ये सब डेफिनेट स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, ठीक है? जैसे डायमंड का क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ग्रेफाइट का हम लोग हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। वहीं पर कोक लीजिए, इसका कोक का जो फॉर्म होता है कोक, तो कोक जो कार्बन का फॉर्म होता है वो एमॉर्फस फॉर्म। मिट्टी सॉइल क्या है आपका? एमॉर्फस सॉलिड है, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर रेडी नहीं होगा। आयोडीन वैसा कुछ डेफिनेट स्ट्रक्चर क्रिस्टल रेडी नहीं होगा तो एमॉर्फस सॉलिड होगा। सॉइल आयोडीन नमक NaCl आप समझ रहे हो, स्ट्रक्चर रेडी हो तो क्रिस्टलाइन, स्ट्रक्चर ना हो पाए तो एमॉर्फस। सॉलिड को अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस बांटे तब मॉलिक्यूलर फोर्सेज और नेचर ऑफ इंट्रैक्शंस molecular solids, तीसरा covalent solids, और चौथा metallic solids। ध्यान से देखिए, वो जो हमने बात किया, वो
वो बांटा हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. अगर आपको स्ट्रक्चर एक मिला तो क्रिस्टलाइन, अगर स्ट्रक्चर नहीं मिला तो एमोरफस. अगर सॉलिड को बांटा जाए मॉलिक्यूल्स के बीच के इंट्रैक्शन के नेचर क्या है, जो दो मॉलिक्यूल है उनके बीच के आपस के इंट्रैक्शन के बेसिस पर, तो चार तरह के होते हैं. आयोनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स और मेटेलिक सॉलिड्स. चार तरह के सॉलिड हुए. कौन कौन हुए फिर से देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, याद रहना चाहिए, होना चाहिए, तुरंत याद होना चाहिए. और चौथा हमने बोला मेटेलिक सॉलिड. हर लोग इसको बहुत अच्छे से समझते, ध्यान दे जा रहा. आयोनिक सॉलिड तब बोलेंगे जब आयोनिक क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल मतलब आयंस आयोनिक बॉन्ड से बंधे हो, जैसे NaCl, Na+ और Cl-, वहां एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है. मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ. अब इसको भी देखो क्रिस्टलाइन और एमोरफस पे लेके चलते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन हुआ क्यों, क्योंकि यहां आयोनिक सॉलिड का एक आयोनिक क्रिस्टल डिफाइन होता है. BCC, HCP, CCP, इस तरह के क्रिस्टल्स डिफाइन होते हैं. तो आयोनिक सॉलिड्स आर ऑलवेज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्यों बेटा? क्योंकि वहां पर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स डिफाइन होते हैं. कब बोलेंगे आयोनिक सॉलिड्स? जब आंख बंद करके हम लोग देख लेंगे. वैसा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी नहीं आएगा, सिंपल ही आएगा. आंख बंद करके देखेंगे अगर आयोनिक बॉन्ड्स है तो आयोनिक सॉलिड. दूसरा चलो यहां से सॉलिड्स हैविंग सर्टेन आयोनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स और आयंस आर बॉन्डेड विथ आयोनिक बॉन्ड. आयंस आर बॉन्डेड विथ झांकोगे तो हर कॉर्नर पर Na+Cl- ऐसे क्यूब में नजर आएगा. फिर इस क्यूब के आगे एक क्यूब होगा, फिर पीछे क्यूब होगा, दाएं क्यूब होगा, बाएं क्यूब होगा, ऊपर क्यूब होगा, नीचे क्यूब होगा. इस तरह से ये फैलता है. इस तरह से वो फैलता चल जाएगा. तो इनमें चलिए उस तरह आपको ध्यान नहीं देना. मैंने बोला ये आयोनिक क्रिस्टल हुआ, इसी को क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं. फिक्स स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है FCC. तो स्ट्रक्चर धीरे धीरे आपको सिखाने वाले हैं, स्ट्रक्चर आएगा जैसे सिखाने वाला, उस पर चर्चा करेंगे. तो आयोनिक सॉलिड हुआ, कैसे आयोनिक सॉलिड? क्योंकि आयंस आयोनिक बॉन्ड से बने, इसलिए आयोनिक सॉलिड. ज्यादा नहीं देखना है, एफसीसी वगैरह में समझ में आया नहीं आया कोई मतलब नहीं है. सिंपली हमने क्या बोला, आयंस आयोनिक बॉन्ड से बंधे हैं तो आयोनिक सॉलिड, आयंस आयोनिक बॉन्ड से बंधे हो तो आयोनिक सॉलिड. अब आ जाओ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ये कोवेलेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, ध्यान से, ये आयोनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन है, ये कोवेलेंट कंपाउंड के लिए. लेकिन हेल्ड बाय वैन डर वाल फोर्सेज और हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान से सुनोगे, वैसा सॉलिड पहला जरूरत मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलने के लिए पहली शर्त कि वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होने चाहिए.
मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस और एच बॉन्ड कंपाउंड होना चाहिए कोवेलेंट, और अब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच या तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो या फिर वैन डर वाल्स फोर्स हो, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच या तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो या फिर वैन डर वाल्स फोर्स। जरूरत को समझोगे, या तो पहले तो कोवेलेंट कंपाउंड हो, फिर मॉलिक्यूल्स के बीच या तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो या वैन डर वाल्स फोर्स, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। चलो हाइड्रोजन बॉन्ड को अच्छे समझते हो, बर्फ में पानी में, तो पानी तो सॉलिड है नहीं, बर्फ तो आइस को जाना है। आइस में क्या होता है, हर एक H2O चार H2O से टेट्राहेड्रल घिरा होता है। आपने सुना होगा यहाँ H होता है, हर एक H2O चार H2O से टेट्राहेड्रल घिरा होता है। तो आपने क्या देखा, पहले एक फिक्स स्ट्रक्चर है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब दूसरा आपने क्या देखा, यहां पर किस देखो टेट्राहेड्रल है। अब दूसरा आपने क्या देखा, कोवेलेंट कंपाउंड्स है, H2O क्या है कोवेलेंट कंपाउंड। और आपने क्या देखा, कोवेलेंट कंपाउंड में अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स से घिरे हो जुड़े हो तो उसको हम लोग कौन सा सॉलिड बोलते हैं, मॉलिक्यूलर। आ जाइए, कंफ्यूजन इन दोनों में होता है, इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, बाकी सब क्लियर है, यही दो में कंफ्यूजन होता है। कोवेलेंट सॉलिड भी नाम से ही लगता है कि कोवेलेंट, और इसको हमने तो क्लियर बोल दिया कि कोवेलेंट ही है, बस मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डर वाल्स फोर्स हो, और ये भी कोवेलेंट है। अब डिफरेंस देखिए क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डर वाल्स फोर्स होगा और यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच कोई हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स नहीं होगा, मॉलिक्यूल पॉलीमराइज मतलब चेन में फैलता चले जाएगा लगातार चेन में, जैसे आपके साथ कार्बन का लगातार चेन देखते हैं, तो मॉलिक्यूल्स लगातार अगर पॉलीमराइज हो गया, पॉलीमराइज होना बोलते हैं उसको, पॉली बहुत सारा, मेराइज मर्ज होना, तो मॉलिक्यूल लगातार अगर चेन में फैलता चला गया, कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी और कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसको कोवेलेंट सॉलिड बोलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये भी आपका दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये भी आपका दे आर ऑल्सो कोवेलेंट कंपाउंड, बट मेजर डिफरेंस इज व्हाट, हियर द एग्जिस्टेंस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑन एच बॉन्ड्स आर नोन, यहां पर देयर इज नो एनी एच बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल दो, बिटवीन द बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स या अमंग द मॉलिक्यूल्स कोई भी एच बॉन्ड या वैन डर वाल्स फोर्सेस नहीं है। क्या हो रहा है फिर, मॉलिक्यूल अपने जुड़ा कैसे है, तो भाई साहब वही चेन में फैल गया है, वही चेन में फैल गया है। तो आपको जब भी कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिफरेंशिएट करना होगा तो आपको उसके स्ट्रक्चर की जानकारी गहराई से आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें पॉलीमराइजेशन है और सॉलिड है पॉलीमराइजेशन है तो फिर वो कोवेलेंट सॉलिड हो जाएगा, बट आपको लगता है कि नहीं मॉलिक्यूल्स के बीच वैन डर वाल्स फोर्स या एच बॉन्ड है और कोवेलेंट कंपाउंड है, तब वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। उम्मीद है सीखे होंगे, आइए एग्जांपल लेते हैं, जो आप जान रहे हैं उसी को एग्जांपल में लेते हैं, डायमंड ग्रेफाइट। ठीक से ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट आपको पता है लगातार फैलते चले जाता है, आपको मालूम है चेन में लगातार फैलता है, इस तरह से ये लगातार आते रहता है। अभी इसी से का स्ट्रक्चर आगे डिस्कस नहीं करना, तो इसमें कहीं पर भी क्या नहीं है, मॉलिक्यूल के बीच मॉलिक्यूल्स जो है वो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डर वाल्स फोर्स से है नहीं है, इसलिए किस तरह का सॉलिड हो गया है, कोवेलेंट सॉलिड, इस तरह एग्जांपल। और हाँ, जैसे ये क्रिस्टलाइन है, ये भी क्रिस्टलाइन है, क्योंकि एक फिक्स स्ट्रक्चर हो गया तो क्रिस्टलाइन होगी,
क्रिस्टलाइन और एमोर्फस कैसे हम लोग पकड़ते हैं? अगर एक फिक्स स्ट्रक्चर आया तो क्रिस्टलाइन, स्ट्रक्चर फिक्स नहीं आया तो क्रिस्टलाइन नहीं। अब आ जाइए चौथा है, हाँ लिखता हूं, कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो यह कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स गेट पॉलीमराइज्ड एंड हेंस देयर इज नो एनी वैन डर वाल फोर्सेज नीडेड। मेटलिक सॉलिड, जाहिर सी बात है मेटल के केस में होगा, ठीक है, डिफाइंड फॉर मेटल्स, वेयर मेटल एटम्स गेट अरेंज्ड इन सर्टेन मेटलिक स्ट्रक्चर्स, मेटलिक क्रिस्टल लगाओगे, ये भी क्रिस्टलाइन। देखिए अच्छे से, देख बेटा ठीक से, काम की बात बता, ये ऑलवेज क्रिस्टलाइन होगा, हमेशा क्रिस्टलाइन और एमोर्फस की बात करो क्योंकि सर्टेन स्ट्रक्चर मिलेगा, ये भी ऑलवेज क्रिस्टलाइन होगा हमेशा। ये भी ऑलवेज चूंकि पॉलीमराइज हो जाएगा सो ये भी ऑलवेज क्रिस्टलाइन हो जाएगा। और यही सिर्फ है जो दोनों हो सकता है, कौन, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दोनों हो सकता है। अब और चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। आयनिक सॉलिड में एक फिक्स स्ट्रक्चर होने के कारण हमेशा क्रिस्टलाइन, मेटलिक सॉलिड में भी एक फिक्स स्ट्रक्चर होने के कारण हमेशा क्रिस्टलाइन। जैसे मान लो कोई मेटल ले लेते हो, एग्जांपल इसका मेटलिक सॉलिड का, मान लो सोडियम, तो सोडियम कैसा होता है, ऐसे हर कॉर्नर पर सोडियम ऐसा होता है, जैसे NaCl एक कॉर्नर पर Na प्लस और एक पर Cl माइनस और एक बीच में भी सोडियम सेंटर, तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है BCC, आगे पढ़ाएंगे साथ। जैसे इस स्ट्रक्चर का नाम था FCC, जब सेंटर पर नहीं था और सेंटर पर आगे नाम हो गया BCC, आगे क्लियर होगी चीज। तो अभी हमने आपको यह सिखाया कि चार तरह का सॉलिड कौन कौन, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट और मेटलिक। फिर से एक बार समझ लो, आयनिक सॉलिड कब होगा, जब आयनिक बॉन्ड्स की पॉसिबिलिटी बनी और वो क्रिस्टलाइन होते हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड कब होगा, जब कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे बट कंपाउंड्स में वैन वाल फोर्सेस होने चाहिए एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच। कोवेलेंट सॉलिड भी कोवेलेंट कंपाउंड के लिए डिफाइंड है बट वहां वैन वाल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वहां कोवेलेंट मॉलिक्यूल ही पॉलीमराइज हो गया। तीसरा सॉलिड हमने बोला है मेटलिक, चौथा हमने बोला मेटलिक सॉलिड, ये मेटल के लिए डिफाइन होता है जहां पर मेटलिक क्रिस्टल्स होते हैं, वो भी क्रिस्टलाइन है हमेशा। आप सोच रहे होंगे सर और अच्छे से क्लियर किया जाए इसको, तो चलो 8-10 एग्जांपल्स उठाते हैं जिससे आप ये रिकॉग्नाइज कर सकें, अच्छे से हम रिकॉग्नाइज कर सके कि ये वाला किस टाइप का सॉलिड है। खास करके आपको सतर्क होना है कहां पे, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर। तो आइए अपने आप को आजमाइए कि आप कितना इसको लर्न कर पाए। आप पहले स्टेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या आप लोगों को समझ में आया अच्छे से, यस और नो एक बार बता दीजिए। यस सर। कुछ एग्जाम्पल
एग्जांपल्स लिए जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आपको रिकॉग्नाइज करना है। चलो पहला आयोडीन कौन सा सॉलिड होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सर। मॉलिक्यूलर सर। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है। साउंड भी नहीं आ रहा है सर। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। यस सर। बिस्मथ कैसा सॉलिड है कोई बताओ क्या? कोई भी बताओ वो बिस्मथ कैसा सॉलिड है? मेटेलिक। गुड। बाकी सभी जवाब दीजिए क्योंकि बिस्मथ मेटल है। ये मेटल है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीबॉडी बिस्मथ हमने भी किया है। ये मेटल है, ये दोनों मेटल वाइड है और वो नॉन मेटल है। चलो जवाब दो। नयन कुमारी आपसे पूछा जा रहा है व्हाइट फास्फोरस या इसको फास्फोरस भी बोल सकते हैं, व्हाइट फास्फोरस या फास्फोरस कैसा सॉलिड? नयन कुमारी मॉलिक्यूलर सर। गुड। वेरी गुड। क्योंकि इसमें P4 P4 के बीच मेटाबॉल फोर्सेस होते हैं, यहां मेटाबॉल फोर्सेस। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड कैसा सॉलिड होगा? प्रदीप देव दीप दे। यस सर। कैल्शियम ऑक्साइड मेटेलिक। क्यों मेटेलिक होगा बेटा? मेटल और मेटल का आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड हो कैसे कर सकता? नेक्स्ट SiO2 कैसा सॉलिड होगा? SiO2 कैसा सॉलिड होगा बताइए?
बोलिए। देखिए SiO2 की कहा SiO2 में ये CO2 कार्बन के ग्रुप का है ना जी, तो CO2 वर्सेस SiO2, ध्यान से अगर CO2 को सॉलिड कर दो, इसको भी सॉलिड कर दो, इसको ड्राई आइस बोलते हैं, इसका नाम है ड्राई आइस, बर्फ के तरह दिखता है सूखा हुआ, जैसे बर्फ गीला है ये पूरा सूखा हुआ दिखेगा आपको, कौन CO2 बोला जाता है ड्राई आइस, ठीक है। और SiO2 है सिलिका, तो CO2 इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है और इसमें दूसरे CO2 और CO2 के बीच की वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस, बट SiO2 में इस तरह का स्ट्रक्चर SiO2 का होता ही नहीं है, साइज का प्रॉब्लम है, आगे पढ़ाएंगे, पॉलीमराइज होता है ऐसे, देखो हर एक सिलिकॉन चार बॉन्ड, हर एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड, हर एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड सिलिकॉन चार बॉन्ड, इस तरह से ये पॉलीमराइज हो जाता है, ये 110 डिग्री एंगल के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसीलिए SiO2 फाइनली आपका कैसा सॉलिड हुआ, पॉलीमराइज होने की वजह से कोवेलेंट सॉलिड, कॉन्सेप्चुअल है क्योंकि पॉलीमराइज हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए हो गया कोवेलेंट सॉलिड। वही पर क्या अगर CO2 लिया ड्राइस लिया ना, तो ड्राइस का मतलब क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राइस बोलते हैं, किसी कार्बन को सॉलिड CO2 को ड्राइस बोलते हैं, रखा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल किया जाता है, ड्राइस का CO2 को सॉलिड फॉर्म में हाई प्रेशर पर डाल करके सॉलिड फॉर्म में कर दिया जाता है, कहीं पर आग लगती है तो अचानक जो आप स्प्रे मारते हैं तो CO2 सॉलिड CO2 पे स्प्रे नहीं होता, तो ड्राइस सॉलिड का प्रोसेस है, कैसा सॉलिड हो जाएगा ये वैन डर वाल्स प्रोसेस मॉलिक्यूल, सल्फर कैसा सॉलिड हमने आपको पढ़ाया है, सोच समझ के मॉलिक्यूलर सर, यस सर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड गुड, यस सर मॉलिक्यूलर हो, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर दिया जाए डायमंड कैसा सॉलिड होगा, कोवेलेंट, कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सर, कोवेलेंट, वेरी गुड। CA ध्यान से देखो, अगर बोला जाए CaCl2 कैसा सॉलिड होगा, आयोनिक बॉन्ड सर, आयोनिक, आयोनिक सर, आयोनिक सर, आयोनिक सॉलिड है। अगर मान लो आपसे बोला जाए आयरन कैसा सॉलिड होगा, मेटालिक, मेटालिक सर, मेटालिक सॉलिड है, मेटालिक सर, मेटालिक सर, मेटालिक, मेटालिक मेटालिक सर, मेटालिक ही है सर, मेटालिक, मेटालिक नॉन मॉलिक्यूलर सर, मॉलिक्यूलर सर, मैं कष्ट कोवेलेंट होगा सर, कोवेलेंट सर, बोरॉन कैसा सॉलिड होगा, बोरॉन मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड, अगर मॉलिक्यूलर आप बोलते हैं तो आपको ये बोलना पड़ेगा कोवेलेंट सर, कौन से मॉलिक्यूल के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स, देखिए बोरॉन, बोरॉन तीन बॉन्ड बने, अगला बोरॉन फिर तीन बॉन्ड बनाएगा, अगला बोरॉन फिर तीन बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड बनाते चले जाएगा, हर एक बोरॉन तीन बॉन्ड बनाएगा, आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सॉलिड हो गया,
कोवेलेंट कोवेलेंट सर नेक्स्ट एग्जांपल सोच समझ के बताइए आइस कैसा सॉलिड होगा बर्फ कोवेलेंट सर कोवेलेंट कोवेलेंट सर कोवेलेंट सर मॉलिक्यूलर 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 अभी बताए थे H2O मॉलिक्यूल्स के बीच वैन डेर वाल्स फोर्स H2O मॉलिक्यूल्स के बीच उसमें क्या है वैन डेर वाल्स फोर्स जो वैन डेर सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हमने बोला क्या कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डेर वाल्स फोर्स तो क्या बोलते हैं इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं चलो नेक्स्ट एग्जांपल सिलिका कैसा सॉलिड होगा ऐसा ही नहीं सिलिका कोवेलेंट सर मॉलिक्यूलर सर कोवेलेंट कोवेलेंट सर कोवेलेंट कोवेलेंट सर गुड कोवेलेंट क्योंकि हर एक सिलिकॉन अगले चार सिलिकॉन से सिलिकॉन को चार बार बनाना है हर सिलिकॉन अगले चार सिलिकॉन से पॉलीमर बना करके ऐसे फैलते चले जाएंगे इसीलिए कोवेलेंट सॉलिड चलिए आप इस फेज का स्क्रीनशॉट अगर मान लीजिए फास्फोरस ना लिख के क्लियर लिखा जाए ब्लैक फास्फोरस तो कौन सा सॉलिड कोवेलेंट 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 सर कोवेलेंट कोवेलेंट सर कोवेलेंट ये पॉलीमराइज़ हो जाता है सारे डायरेक्शन मतलब ये साथ में अगर रेड फास्फोरस भी बोला जाए तो ये भी कोवेलेंट सॉलिड होगा जी कॉपर कौन सा सॉलिड होगा कॉपर कोवेलेंट मेटालिक सर मेटालिक सर मेटालिक 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 सर बकमिंस्टर फ्लूरी कोवेलेंट सर कोवेलेंट सर आयोनिक सर कोवेलेंट सर आयोनिक सर मॉलिक्यूलर C60s का फॉर्मूला तो C60 के बीच वैन डेर वाल्स फोर्स होगा C60 के बीच वैन डेर वाल्स फोर्स होगा जैसे कैसे हमने आप सल्फर में किए सल्फर को भी कैसे आप क्या बताए मॉलिक्यूलर सॉलिड सल्फर को भी आप क्या बताए मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे आप क्या बोले एसिड एसिड के बीच वैन डेर वाल्स फोर्स इसलिए इसलिए बकमिंस्टर फ्लूरीन भी कैसा सॉलिड होगा आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा
क्लियर हुआ जी? जी यस सर। आर्सेनिक आर्सेनिक कोवैलेंट सर। गुड कोवैलेंट सर। वेरी गुड वेरी गुड। यूरिया मेटालिक सर। मेटालिक सर। कोवैलेंट सर। मॉलिक्यूलर 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 सर। ड्यू टू वंडर बल्ब। देखो इधर एक्स बॉन्ड बना ले, इधर एक्स बॉन्ड बना ले, तो ये मॉलिक्यूल्स एक्स बॉन्ड बनाते हुए खेलते चले जाएगा, इसलिए हो जाएगा आपको क्या मॉलिक्यूलर सर। इसके बाद हम अगर डिस्कस करें शुगर, मॉलिक्यूलर सर। मॉलिक्यूलर सर। यस सर मॉलिक्यूलर सर। और उसके बाद वो फिर एच बॉन्ड बना लेगा। लेड कौन सा सॉलिड होगा? लेड। मेटालिक सर। मेटालिक सर। मेटालिक सर। मेटालिक सर। क्या आप लोग अच्छे से टाइप्स ऑफ सॉलिड को समझे बढ़िया ढंग से? यस सर। यस सर। यस सर। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हमने आपको पिछले क्लास में होमवर्क दे दिया था ग्रेफाइट डायमंड और फुलरीन। आज फिर होमवर्क वही पर रहा है ग्रेफाइट डायमंड एंड फुलरीन को अच्छे से एनसीईआरटी 11 से पढ़ेंगे। और हमने साथ में सल्फर भी बोला था पढ़ने, फॉस्फोरस भी पढ़ने बोला था, बट उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। तो एक क्लास का और टाइम है, आप सल्फर फॉस्फोरस और ग्रेफाइट डायमंड फुलरीन्स को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ग्रेफाइट डायमंड फुलरीन्स अगले क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट।